बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। शेयर बाजार निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। सक्करधरा पुलिस ने दो कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी ट्रेडिंग सॉल्यूशन लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर लोहित सिंह धर्म सिंह सुबेदार, कोल्हापुर सीईओ विजय ज्योतिराम पाटिल कोरबी तथा जेनरल वेंचर LLP के अधिकारी है। ट्रेंडिंग सॉल्यूशन लिमिटेड कोल्हापुर की कंपनी है। इस कंपनी की सक्करधरा के विलास पाटिल से फ्रेंचाइजी ली थी। पाटिल ने कारोबार के लिए अविनाश निकालजे को अधिकृत किया था। कंपनी का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर लोहित सिंह सुबेदार और विजय पाटिल निवेशकों को फंसाते थे। वे निवेश राशि पर हर माह 3% मुनाफा देने का बताते थे। उनकी बात पर भरोसा करके निकालजे सहित कई लोगों ने जुलाई 2021 में निवेश करना आरंभ किया। शुरुआत में आरोपी ने निवेशकों को हर माह 3% मुनाफा दिया। इससे लोगों को भरोसा होने लगा। अगस्त 2022 के दौरान निकालजे सहित 103 लोगों ने 1.84 करोड़ का निवेश किया। कुछ समय बाद आरोपियों ने मुनाफा देना बंद कर दिया। निवेशकों के तकादा करने पर अलग अलग बहाने बताने लगे। निवेशकों द्वारा मूल राशि मांगने पर भी टालमटोल करने लगे। उन्होंने जेनरल वेंचर LLP में निवेश किए जाने का बताया। इसके बाद निवेशक को ठगी का संदेह हुआ। उन्होंने सक्करधरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी तथा MPDI के तहत मामला दर्ज किया। आरोपियों ने राज्य के कई शहरों में लोगों को शिकार बनाया है। जांच में ठगी की राशि बढ़ने की संभावना है। ट्रेडिंग सॉल्यूशन नावाची एक शेयर मार्केटिंग कंपनी होती, शेयर ट्रेडिंग च्या संबंधाने। त्याची मेन ब्रांच कोल्हापूरला आहे। तिथे लोहित सिंह धर्मसिंह सुभेदार आणि विजय ज्योतिराम पाटील हे दोघं ते चालवत होते। त्यांच्याकडून 2021 नागपूरचे रहिवासी विलास पाटील यांनी ती फ्रेंचायझी नागपूरमध्ये सुरू केली आणि त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टर जे येत होते त्यांच्याकडून ते पैसे जमा करून घेत होते आणि त्यानंतर ते जमा झालेले पैसे जेनेरिव व्हिचर्स LP कंपनीमध्ये शेअर मार्केटिंग ट्रेडिंगच्या हिशोबाने जमा होत होते। अशा प्रकारे 102 लोकांनी त्या ठिकाणी पैसा जमा केला। त्यांना प्रलोभन देण्यात आलं होतं की तुम्ही जी मूळ रक्कम जमा करत आहे ती मूळ रक्कम 3 वर्षापर्यंत तशीच राहील आणि दर महिन्याला तुम्हाला त्याच्यावर 3% व्याज मिळेल। हे आम्ही पाहून लोकांनी त्या ठिकाणी गुंतवणूक सुरू केली। परंतु 1 वर्ष ती कंपनी आमच्या पोलीस स्टेशन सक्करधरा हद्दीमध्ये भांडेप्लॉट या ठिकाणी चालल्यानंतर त्यांनी ती कंपनी अचानक बंद केली। लोकांचे पैसे दिले नाही, मूळ पैसे परत केले नाही आणि व्याजाचे पैसे परत केले नाही। त्यानंतर त्यांनी कायम संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला परंतु कोणताच प्रतिसाद दिला नाही। त्यानंतर आमच्याकडे ही तक्रार आली, आम्ही त्याची चौकशी केली। तर त्या चौकशीमध्ये असंही आढळलं की हे जे दोन आरोपी आहेत लोहित सिंग सुभेदार आणि विजय पाटील यांच्याविरुद्ध कोल्हापूरच्या पोलीस स्टेशन शाहूपुरी या ठिकाणी अशाच प्रकारचा गुन्हा पण दाखल झालेला आहे। सक्करधरा पोलीस स्टेशन त्या दृष्टीने तपास करत आहे। आतापर्यंत आम्ही केलेल्या चौकशीमध्ये 1,84,60,000 रुपयाचा हा अप्रत्यपर झालेला दिसून येत आहे फसवणूक आणि त्यानंतर तपासावरून आणखी पुढील दिशा ठरेल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।